ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव धीरे धीरे करता रहा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, धीरे धीरे बच्चों गोबर क्या करते हो? कहा बाबा बाउंड्री के बाहर फेंक देता हूँ। फिर भी लोग ले जाते हैं, अपना घर लीप पोत लेते हैं। कहा कि नहीं बच्चे, गोबर बहुत काम का है। गोबर आज से फेंकना नहीं, इकट्ठा करो, उसका लड्डू बनेगा तो अंगीठी के ऊपर सिगड़ी पे रखने का काम आएगा। फिर उसको जलाएंगे। तो कहा बाबा मुझे बनाने आता नहीं। कौन का, तुम इकट्ठा करो, बाबा सिखाएगा। तो उन दिनों में अपने कानपुर से लोगों से रिटायर दो भाई थे जो यज्ञ में समर्पित हो गए। रहने वाले पंजाब के थे और रिटायरमेंट कानपुर लोगों से लिया था। तो उनको पता था कि रेलवे का कोयला झरिया से कैसे आता है, धनबाद से कैसे आता है। कहा बाबा यहाँ बहुत महंगा पड़ता है कोयला, आप मुझे कहो तो मैं वहाँ से धनबाद से कोयला मंगाऊँ डायरेक्ट खान से। तो आने का भले मंगाओ। तो वो हमारी मालगाड़ी की ट्रेन भर के आती थी बोगी, तो कोयला वो बेलचा से उतार देते हैं। तो जो बोगियों में राख पड़ी होती थी ना कोयले का, काली काली, इतने निरहंकारी गुरमुख भाई और खन्ना भाई दोनों, एक झाड़ू लेता था एक तसला, वो बोगी को झाड़ू लगाते थे और वो राख को भर करके लाके वही गोबर में मिला के उसका गोला बनाते थे। तो उनको बाबा ने कहा, ये मेरे बच्चे एका नामी के अवतार हैं, कितने किफ़ायत से सब काम करते हैं, यज्ञ के लिए सोचते हैं। तो बाबा ने जब कहा इकट्ठा करना, तो आके बोला बाबा हमने राख और गोबर इकट्ठा कर दिया, अब चलिए बताने। अब आप सोचो जो भाग्य विधाता है, त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मा बाबा, जगत पिता। तो बाबा ने फिर गोबर में मिला के सिखाया और लड्डू बना बना दिया और वो दौड़ दौड़ के सुखाने के लिए रख जाता था। इतने में कोई VIP आ गया और गेट पे पूछा, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो पहरे वाला भाई भी बड़ी सहजता से कहता है, गुरु गौशाला में है बाबा। उसने कहा चले जाएं दर्शन कर लें। हाँ चले जाओ, कर लो दर्शन। अब बाबा तो गोबर का गोला बना रहा, वो VIP आया दर्शन करने। लेकिन उस समय में जो बाबा को देखा तो वहीं वो सीधे गौशाला में बाबा के चरणों में दंडवत हो गया। उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है कि श्री कृष्ण जो है वो सखा के साथ बॉल खेल रहे हैं। न गोबर दिख रहा, न वो दिख रहा, वो श्री कृष्ण दिख रहे हैं, ग्वाला दिख रहा कि वो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। तब बाबा ने सुनाया कि बच्चे काम कभी छोटा नहीं होता है। हमारे जो मानसिक स्थिति श्रेष्ठ होगी तो उससे हमारा जो है ना कर्म भी श्रेष्ठ होगा, साक्षात्कार भी वही होगा। तो छोटा काम हो बड़ा काम हो, उसको बड़ा समझ के, यज्ञ सेवा समझ के हर काम को खुशी खुशी करना है। ये दिमाग में ना आए कि ये तो छोटा काम है या ये काम है, नहीं। ऐसे कुल मिलाकर के बाबा के साथ रह के जो अनुभव किया।